हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ ग्वार फली की बहुत ही यमी रेसिपी। बिल्कुल अलग तरीके से हम इसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ग्वार फली को लगभग एक एक इंच के टुकड़ों में कट कर लिया है। एक ग्वार फली में मैंने दो टुकड़े किए हैं। मीडियम साइज के ग्वार फली थे तो मैंने दो टुकड़े किए हैं। और मैंने लिया एक मीडियम साइज का टमाटर, एक मीडियम साइज का प्याज, लहसुन का एक गांठ लिया, इसको छील लेंगे। चार सूखी लाल मिर्च लिया है मैंने और दो आलू को छील के ऐसे गोल गोल स्लाइस में मैंने कट कर लिया है। अब इसकी हम सब्जी बनाएंगे। अब हम सब्जी में पड़ने वाले मसाले की तैयारी कर लेते हैं। लहसुन को मैंने छील लिया है, चार लाल सूखी मिर्च, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच धनिया, पाँच छः गोल मिर्च और एक चम्मच पीली वाली राई है। अब सबको मिक्सर जार में डाल के एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल ऐसा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। अब जो हमने ग्वारफली कट करके रखी थी उसे पहले ही धो लिया था। काटने से पहले उसे अच्छे से वॉश कर लेना होता है, फिर काटते हैं। फिर एक बर्तन में इसको डाल के इसको बॉयल कर लेंगे। हम थोड़ा स्टीम कर लेंगे ना तो इजली कुक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और अच्छे से डाइजेस्ट होती है। इसे मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। ये 5 से 7 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाएगी, बॉयल हो जाएगी और सॉफ्ट भी हो जाएगी। जब तक हमारा ग्वारफली इधर बॉयल होता है तब तक हम दूसरी तरफ कढ़ाई रख के अपना जो आलू है उसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया है कढ़ाई में। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो हमने आलू कट करके रखे थे ना गोल स्लाइसेस में, इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सारे आलू को एक साथ में ही डाल देना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। आलू को तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें एक अच्छा कलर ना आ जाए, हल्के गोल्डन कलर के हो जाए, इन पे हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट आ जाए, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। चलाते हुए दोनों तरफ से अच्छे से इसको ब्राउन स्पॉट आने तक सेक लेंगे। आलू को ऐसे फ्राई करके डालने से ना सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है। अगर हमारे पास थोड़ी सी ग्वारफली है तो भी हमें बहुत अच्छी सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आलू का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगा है, इस पर हल्के हल्के स्पॉट्स आने लगे हैं। तो इन्हें 2-3 मिनट तक फ्लेम हाई करके फ्राई कर लेंगे। जब हाई फ्लेम करेंगे तो इस पर जल्दी से स्पॉट्स आ जाएंगे। देखिए गैस का फ्लेम मैंने हाई करके इसे ऐसे भून लिया है। आलू को जैसा फ्राई चाहिए हमको वैसा हो गया है। अब इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। आलू भी सेमी कुक हो गए हैं, आधा पक गए हैं। फ्राई करते टाइम ही आधा पक गए हैं। सारे आलू को हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। जो तेल बचा है उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना। आप इसके जगह पर जीरा भी डाल सकते हैं। देखिए मेथी हमारा अच्छे से चटक गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो हमने प्याज रखा था उसे कट करके। प्याज का देखिए कलर चेंज हो गया है, ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और हल्के गोल्डन भी हो गए हैं। इन्हें अच्छे से हमने भून लिया है। अब जो हमने मसाले का पेस्ट तैयार करके रखा था ना, सरसों वाला मसाला जो पीस करके रखा था, सरसों, जीरा, धनिया, लहसुन, लाल मिर्च, उसको इसमें ऐड कर देंगे। एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे और फिर साथ साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें नमक और हल्दी भी साथ साथ में ही ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे कोई और मसाला ऐड नहीं करना है, बस ऐसे इसको भून लेना है। 2-3 मिनट भूनने के बाद देखिए ऑयल सब ऊपर आ गया है, यानी कि मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। तो इसमें हम डाल देंगे जो टमाटर थी हमारी उसकी प्यूरी करके हम डाल देंगे। फिर मसालों के साथ टमाटर की भी हम भुनाई कर लेंगे। क्योंकि हमने इस सब्जी में कच्चे मसालों का प्रयोग किया है तो इसे हम देर तक पकाएंगे। इसे कवर करके मैं 5 मिनट के लिए और पकने दूँगी। 5 मिनट बाद कवर हटा के मैं चेक कर लेती हूँ। अब देख सकते हैं मसाला कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे ना वो डाल देंगे। अब देख सकते हैं मसाले के ऊपर तेल अच्छे से आ गया है। तो हम इसमें जो फ्राई करके आलू रखे थे वो भी डाल देंगे और हमारी जो ग्वार है वो भी अच्छे से बॉयल हो गई है तो उसको भी इसमें हम ऐड कर देंगे। उसका पानी नहीं निकालेंगे, पानी के साथ ही इसमें डाल देंगे। जो ग्वार को बॉयल करते टाइम जो उसमें पानी हमने डाला था ना उसे फेंकना नहीं है, उसको इसमें डाल देना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू और जो ग्वारफली है वो लगभग लगभग पकी हुई है तो हमें बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना है। एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे, कवर करेंगे, 3-4 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे।
तीन चार मिनट बाद आप देख सकते हैं सब्जी हमारी कुछ ऐसी दिख रही है। हम चेक कर लेंगे कि आलू और हमारी जो ग्वारफली है वो सब अच्छे से पक गई है कि नहीं। यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा अच्छी खुशबू के लिए और थोड़ा सा इसका फ्लेवर चेंज करने के लिए। यहाँ पे 1/2 चम्मच गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है और इसे चला के मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद बस 2-3 मिनट के लिए इसे और पकाऊँगी मैं कवर करके। अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं रखनी है, ऐसे ये सूखी सब्जी ही अच्छी लगती है। अब मैंने इसे कवर कर दिया है और 2-3 मिनट बस पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। 2-3 मिनट बाद हम इसे गैस का फ्लेम ऑफ करके गैस से इसे नीचे उतार लेंगे। 2-3 मिनट हो गए, सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। जैसे हमको परफेक्ट सब्जी चाहिए, ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यमी बनती है। फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।